Hey everyone, I was looking for gifts online for my little brother, कुछ unique और under budget, but found nothing. मुझे कुछ चाहिए ऐसा unique और creative जो किसी के पास ना हो. तो बनाते हैं handmade. Handmade gifts की तो बात ही अलग है. और आप मेरे channel पे new हो, subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से करें क्योंकि ऐसे amazing और creative videos आपको यही मिलेंगे. So let's get started. सबसे पहले मैंने लिए है ये embroidery hoop. फर्स्ट वन जो बिगर साइज़ का है वो 10 इंचेस का और छोटा वाला है 5 इंचेस का. उसके बाद लिया है मैंने ये प्योर कॉटन फैब्रिक. सबसे पहले हम छोटा वाले हुप को की खोलकर दोनों रिंग्स को अलग अलग कर लेंगे. उसके बाद अपने फैब्रिक को रिंग पर हमें प्लेस करना है. ध्यान रखिए जो इनर साइड वाला रिंग है उसे हम अपर साइड पर रखेंगे और जो आउटर रिंग है उसे फैब्रिक के नीचे प्लेस. नेक्स्ट मैंने होल्ड कर लिए हैं सारे थ्रेड. उसके बाद लिया है मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड. इससे हम इनकी स्टेम्स बनाएंगे. बस देखिए ऊपर से नीचे की तरफ थ्रेड को कर लिया है सिक्योर एंड टाइट. अब नेक्स्ट स्टेप है हमें थ्रेड की कटिंग करनी है. ये देखिए एजेस की कटिंग हम कर लेते हैं सिंपल तरीके से. सारे थ्रेड्स को कर लेंगे हम इवन. यहाँ होता है हमारा क्यूट सा लिटिल फ्लावर रेडी. लग रहा है ना काफी यूनिक एंड क्रिएटिव. अब इसी तरह मैं सारे फ्लावर्स कंप्लीट कर देती हूँ. ये देखिए ऑरेंज एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन लग रहा है ना काफ़ी प्रिटी. इसके बाद मैं करूँगी वही ग्रीन कलर के एंकर थ्रेड से इनकी स्टेम्स और लीफ की एम्ब्रॉयडरी. काफ़ी सिंपल प्रोसेस है. डायग्राम्स की लाइंस को मैंने फॉलो किया है. स्ट्रेट स्ट्रेट स्टिच किया है.
ये देखिए इस तरीके से सिंपल सिंपल स्टिचिंग को फॉलो करते जाइए। लीव्स भी बनाएंगे हम सेम इसी प्रोसेस से, लंबे लंबे स्टिचेस से ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ होता है हमारा एम्ब्रॉयडरी पार्ट कंप्लीट। लग रहा है ना काफी प्रिटी। इसके बाद हम करेंगे अपने लेटर्स अल्फाबेट्स की एम्ब्रॉयडरी। इसके लिए मैंने लिया है सिंपल ब्लैक कलर का थ्रेड और छोटी वाली निडल में से मैंने पिरो लिया है। अल्फाबेट्स की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल एक ही बार में हमें लंबा स्टिच नहीं करना है, छोटे छोटे स्टिचेस से डायग्राम की लाइंस को फॉलो करते जाइए और इसी तरह आपका अल्फाबेट काफ़ी नीट और क्लीन लुक देगा। एंड यहाँ होती है हमारी लेटर्स की एम्ब्रॉयडरी पार्ट कंप्लीट। काफ़ी क्लियर और नीट एम्ब्रॉयडरी हुई है। आप भी करिए, बस थोड़ा सा पेशेंट रखिए। इसके बाद मैंने लिए है पिक्चर जो मुझे सेंटर में प्लेस करनी है। इसे मैं फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। आप चाहो तो फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप ग्लू गन की हेल्प से ना लगाइए क्योंकि वो अनइवन लगता है। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने सेंटर पे इसे प्लेस कर दूँगी और हाफ एन आवर के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी इसी तरह से। ये देखिए, नेक्स्ट लिए हैं मैंने ये येलो कलर के क्यूट से लिटिल से फॉर्म फ्लावर्स येलो कलर में। इन्हें मैं यहाँ पर ब्लू की हेल्प से कॉर्नर पे स्टिक कर देती हूँ। ये देखिए, ये हो गए काफ़ी टाइटली सिक्योर। उसके बाद मैंने लिए हैं ये गोल्डन कलर के मोती स्टिकर्स और इन्हें भी मैं हुप के बॉर्डर्स पर स्टिक कर लूँगी ग्लू की हेल्प से। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टी कलर रिबन्स का यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह के डिफरेंट ड्रेसेस भी लगा सकते हैं, वाइट पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं। लग रहा है ना काफ़ी प्रिटी। नेक्स्ट हम बनाएंगे बो, और वो भी काफ़ी सिंपल प्रोसेस से। ये देखिए, रिबन को किया है मैंने एक के ऊपर एक प्लेस और एक सिंपल सा थ्रेड लेके सेंटर पे मैंने इसे टाई कर दिया है, एक्स्ट्रा थ्रेड कर लिया है कट। उसके बाद लिया है मैंने ये पर्ल मोती बिग साइजेस में। इसे मैं एक साइड बाय साइड प्लेस करती जाऊंगी, गैप नहीं रखूंगी और ग्लू की हेल्प से सारे बॉर्डर को कर लिया कंप्लीट। ये देखिए, यहाँ होता है हमारा फाइनल एम्ब्रॉयडरी हुप कंप्लीट गोल्डन एंड वाइट कलर के पर्ल्स के साथ। और ये मैंने की है प्लेसिंग छोटे से मिनी पर्ल को सेंटर बुक के बो में भी और फ्लास के सेंटर में भी। काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक दे रहा है। और सेट टॉप पे कर लिया है मैंने एक थ्रेड को टाई हैंग करने के लिए। लग रहा है ना काफी क्रिएटिव एंड यूनिक। एंड हो गया है हमारा एम्ब्रॉयडरी बर्थडे हुप कंप्लीट। काफी क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहा है ये अमेजिंग सा क्रिएटिव बर्थडे गिफ्ट। आप जिसे भी देंगे उसे काफ़ी स्पेशल महसूस होगा। तो आप भी बनाइए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए, उन्हें दीजिए ये ब्यूटीफुल सा क्रिएटिव सा सरप्राइज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। ऐसे अमेजिंग से वीडियोस और क्रिएटिव आइडियाज़ करती रहूँगी मैं आपके साथ शेयर। तब तक के लिए बाय बाय।